हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम मैं अपने चैनल पर ओलंपियाड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाती हूँ चैप्टर वाइज और इसके पहले सीबीएसई बी स्कूल सिलेबस से चैप्टर वाइज चैप्टर को एक्सप्लेन करके उसके बुक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हूँ उसके बाद फिर ओलंपियाड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उन चैप्टरों से करवाती हूँ आज मैं आपको एन सी यू ओलम्पियाड वर्कबुक से जो कि ट्वेंटी वन के लिए ओलम्पियाड एग्ज़ाम क्लास टू के एम हैं जिसमें मैं लर्निंग टू यूज़ कीबोर्ड चैप्टर फ़ाइव क्लास टू के लिए पार्ट वन लेकर आ रही हूँ जिसके क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में करूँगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फाइव लर्निंग टू यूज कीबोर्ड क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इन करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ऑप्शन ए दे आर आर ट्वेल्व फंक्शंस की एवलेबल ऑन कीबोर्ड कीबोर्ड में ट्वेल्व फंक्शंस की होते हैं ऑप्शन बी कैप्स लॉक इज़ यूज टू इंसर्ट कैपिटल लेटर कैप्सलॉक का यूज़ कैपिटल लेटर लिखने के लिए किया जाता है ऑप्शन सी स्विफ्ट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड स्विफ्ट की कीबोर्ड का सबसे लॉन्गेस्ट की है एंड ऑप्शन डी देयर आर टू अल्ट की अवेलेबल ऑन कीबोर्ड कीबोर्ड में दो अल्ट की होते हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्पेस वार इज द लॉन्गेस्ट की अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड बट स्विफ्ट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट स्विफ्ट की लॉन्गेस्ट की नहीं होता है यह गलत स्टेटमेंट है जबकि सही स्टेटमेंट है स्पेस वार की इज़ द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड क्वेश्चन नंबर टू क्यू यू ई आर टी वाई क्वैटी इज ऑप्शन ए नेम ऑफ द पर्सन हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर्स क्वैटी उसका नाम है जो कंप्यूटर्स की खोज किया है ऑप्शन बी अ टाइप ऑफ माउस डैट इज कनेक्ट विथ अ कंप्यूटर यह एक माउस का प्रकार है जिसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है ऑप्शन सी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सी पी यू सी पी यू का महत्वपूर्ण भाग है एंड ऑप्शन डी द नेम गिवेंट टू द देंडर कीबोर्ड ले आउट यह नाम इस्टैंड कीबोर्ड ले आउट का दिया गया है आंसर इज ऑप्शन डी क्वैटी द नेम कम्स फ्रॉम द ऑर्डर टू द फर्स्ट सिक्स की ऑन द टॉप लेफ्ट रो ऑफ द अल्फा बेट क्वैटी की बोर्ड के फर्स्ट सिक्स की को ऑर्डर में लिखने पर टॉप में लेफ्ट रो से जो हम सिक्स की लिखते हैं वो क्वैटी लिखाता है क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ़ द फॉलोइंग की इज द लॉन्गेस्ट की प्रजेंट ऑन द कीबोर्ड इनमें से कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट की कीबोर्ड में होता है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्पेस बार की स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की प्रजेंट ऑन द कीबोर्ड क्वेश्चन नंबर फोर मैच द फॉलोइंग कॉलम्स कॉलम वन एंड कॉलम टू को मैच करना है ऑप्शन ए की यूज टू इंसर्ट स्पेसेस स्पेस बार एंड टू की यूज टू इरेज टेक्स टू द राइट ऑफ द कर्सर्स की का यूज़ हम राइट कर्सर के राइट right साइड से कोई टेक्स को इरेज करने के लिए करते हैं तो हमारा हो जाता है डिलीट की एंड की यूज टू टाइप इन द कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर लिखने के लिए हम कैप्सलॉक की ऑन करते हैं एंड देन ऑप्शन डी की यूज टू गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड की को नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए हम इंटर की प्रेस करते हैं तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ए का फोर बी का थ्री सी का वन एंड डी का टू क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इफ़ यू वॉन्ट टू द टाइप नंबर थ्री वन फोर नाइन विद द हेल्प ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर की इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यदि हमें थ्री वन फोर नाइन नंबर टाइप करना है इन नंबर्स की से ऑप्शन ए कंट्रोल की शुड भी प्रेस हम कंट्रोल की प्रेस कर सकते हैं बी स्विफ्ट की सूट नॉट भी प्रेस हम स्विफ्ट की को प्रेस नहीं कर सकते हैं प्रेस नहीं करना चाहिए सी यू कैन ऑनली यूज़ द नंबर रो वन द नम लॉक की ऑन एंड द स्विफ्ट की इज़ प्रेस तुम सिर्फ रो को तब यूज़ कर सकते इस रो को हम तब यूज़ कर सकते हैं जब नंबर लॉक की ऑन रहेगा एंड स्विफ्ट की को प्रेस्ड करके हम इसको लिख सकते हैं एंड ऑप्शन डी यू कैन ओनली यूज़ द नंबर रो वन द नम लॉक की इज़ ऑफ हम इस नम रो को तभी यूज कर सकते हैं जब लॉक की ऑप रहेगा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्विफ्ट की सुड नॉट बी प्रेस जब स्विफ्ट की प्रेस नहीं रहता है इफ़ वी वांट टू टाइप लेटर फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर की यदि हम दिए गए लेटर्स को जो नंबर्स की दिए गए हैं उसको हम टाइप करना चाहते हैं दैन स्विफ्ट की शुड नॉट बी प्रेस और स्विफ्ट की हमारा प्रेस नहीं रहता है इफ़ अदरवाइज इट वुड टाइप टू सिम्बॉल प्रजेंट ऑन द टॉप ऑफ दिस की अदरवाइज़ इससे जो है सिम्बॉल जो दिए रहते हैं टॉप पर वो जो है हम स्विफ्ट की के साथ प्रेस करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं अर्थात नीचे वाले की हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं जबकि ऊपर वाले जो सिम्बॉल्स की हैं उसको हम शिफ्ट के साथ प्रेस करके यूज कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर सिक्स विच की व्हेन प्रेस इज कम्बिनेशन विद द लेटर की हेल्प टू टाइप अ लेटर इन कैपिटल व्हेन The Caps Lock key is off. Which key when press हमें कौन सा key press करना चाहिए जब letters की combination में हो और उसे capital letter भी और Caps Lock key off हो और उसे हमें capital letter में भी लिखना हो. Correct answer is option D. Shift key Caps Lock is the टॉगल की लॉक जो है हमारा टॉगल की होता है इट इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर इसको यूज़ कैपिटल लेटर लिखने के लिए किया जाता है वेन इट इज़ स्विच ऑन जब इसका स्विच ऑन किया जाता है स्विच ऑन रहता है या हम जब इसे स्विच ऑन करते हैं तो लॉक की से हम कैपिटल लेटर लिख सकते हैं बट यू कैन ऑल्सो टाइप लेटर इन कैपिटलाइज इवेन वेन दिस की इज़ ऑफ लेकिन यदि हम तब भी कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं जब कैप्सलॉक की ऑफ रहता है उस स्थिति में एंड इट कैन बी डन बाय द प्रेसिंग एंड होल्डिंग द शिफ्ट की विथ एनी अल्फ़ाबेट की तब हम शिफ्ट की को प्रेस करके जो भी अल्फ़ाबेट की को हमें कैपिटल में लिखना है उसको हम प्रेस करके कैपिटल में लिख सकते हैं सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी शिफ्ट की क्वेश्चन नंबर सेवन विच की कम्बिनेशन विल यू यूज टू इंसर्ट द परसेंटेज सिंबल इन अ डॉक्यूमेंट इनमें से कौन से ऑप्शन के द्वारा परसेंटेज सिंबल को हम डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस फाइव ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस फाइव ऑप्शन सी अल्ट प्लस फाइव एंड ऑप्शन डी कैप्सलॉक प्लस फाइव करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्विफ्ट प्लस फाइव इसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में परसेंटेज सिंबल को लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट प्रेसिंग स्विफ्ट प्लस एट द रेट फिर एट जीरो प्लस परसेंटेज बिल डिस्प्ले ऑन द मोनीटर इसको हम प्रेस करने के बाद हमारे मोनीटर पर कौन से ऑप्शन दिखेंगे ऑप्शन ए टू एट जीरो फाइव ऑप्शन बी एट द रेट एटी परसेंट ऑप्शन सी टू एस्ट्रिक ब्रैकेट जीरो एंड ऑप्शन डी एट द रेट एस्ट्रिक ब्रैकेट एंड ब्रैकेट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऐट द रेट एटी परसेंट क्वेश्चन नंबर थ्री वाट इज़ द यूज़ ऑफ द की ऑन द की बोर्ड इनमें से इस की का यूज़ इस की का यूज़ कीबोर्ड में हम किस काम के लिए करते हैं ऑप्शन ए इट ओपन्स द न्यू विंडो इस की से हम न्यू विंडो ओपन करते हैं ऑप्शन बी इट ओपन्स दीनू इससे हम इस्टार्ट मीनू ओपन करते हैं सी इट क्लोज द करेंट एप्लीकेशन इससे हम करेंट एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं एंड ऑप्शन डी इट इज़ यूज टू डिलीट द करेंट प्रोग्राम इस ऑप्शन का प्रयोग करेंट प्रोग्राम को डिलीट करने के लिए किया जाता है करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी इट ओपन द स्टार्ट मेनू इस ऑप्शन से हम स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टेन सेलेक्ट द इन कैरेक्ट मैच इसमें से हमें इन कैरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है ऑप्शन ए अल्फ़ाबेट की ए बी सी डी दिस इज़ करेक्ट अल्फाबेट्स की बी स्पेशल की कंट्रोल अल्ट प्लस स्विफ्ट ऑप्शन सी फंक्शंस की वन टू थ्री एंड फोर एंड डी नंबर्स पैड दिस इज ये सो so, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फंक्शंस की द सेट ऑफ की गिवन एन हेयर आर द फंक्शंस की एफ वन एफ टू एफ थ्री एंड एफ टू द सेट ऑफ द फंक्शंस की देयर आर ट्वेल्व फंक्शंस की सो इन करेक्ट मैच इज ऑप्शन सी सी ऑप्शन इन करेक्ट है ये फंक्शंस की होते हैं जो एफ F1 वन से एफ तक 12 फंक्शंस की होते हैं ये फंक्शंस की के सेट ये सिंबल होते हैं सो इन करेक्ट मैचिज ऑप्शन सी आज के लिए इतना ही आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं साथ ही हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें साथ ही लर्निंग टू यूज़ कीबोर्ड के पार्ट टू मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी जिसे देखना न भूलें थैंक यू